नमस्कार, आर्यावर्त टीवी में आपका स्वागत है। आर्यावर्त टीवी के आर्यावर्त आरोग्यम कार्यक्रम में हम एक ऐसे शख्स से आपको मिलवा रहे हैं जो चिकित्सा क्षेत्र में एक कीर्तिमान स्थापित उन्होंने किया है। इसी चिकित्सा कीर्तिमान स्थापित उन्हें पद्मश्री से सम्मानित भारत सरकार ने किया था, और ये हैं सर गंगाराम हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर डी एस राणा साहब। डॉक्टर राणा साहब एक प्रसिद्ध किडनी रोग विशेषज्ञ नेफ्रोलॉजिस्ट हैं। हम उनसे बात करेंगे किडनी रोग के बारे में और उनके भविष्य के बारे में। डॉक्टर साहब, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, आप एक प्रसिद्ध चिकित्सक हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट हैं और गंगाराम हॉस्पिटल जैसे प्रतिष्ठित हॉस्पिटल में। मेरा सबसे पहला सवाल है कि किडनी रोग है क्या, या फिर हमारे शरीर में किडनी किस तरह काम करती है? झा साहब, जो किडनी जिनको गुर्दे भी कहते हैं, ये दो होते हैं इंसान की बॉडी में, और ये भी एक जैसे वाइटल ऑर्गन होते हैं, ब्रेन वाइटल ऑर्गन है, लंग्स वाइटल ऑर्गन है, हार्ट वाइटल ऑर्गन है, लिवर वाइटल ऑर्गन है और किडनी वाइटल ऑर्गन है। ये सबसे छोटी ऑर्गन होते हैं बॉडी के, वो सबसे इम्पोर्टेंट हैं, बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं। और इनका काम, मुख्य काम क्या है? इनका मुख्य काम है, जो पहला कि जैसे मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है कि जो बॉडी में एक पानी की मात्रा होती है, वो पानी की मात्रा कम नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इसको भी बैलेंस किडनीज करती हैं। इसका काम ही बैलेंसिंग, किडनी के दो ऑर्गन हैं, दोनों काम ही बैलेंसिंग करना है। दूसरा, जितने भी सॉल्ट होते हैं, जैसे आप सोडियम है, पोटाशियम है, बाकी मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, बहुत से सॉल्ट जितने हैं, वो एक रेंज में रहना चाहिए बॉडी में, वो रेंज से ऊपर नीचे नहीं रहना चाहिए। तो उसके भी ये बड़ा इम्पोर्टेंट फंक्शन है बॉडी के। जब भी इनकी मात्रा ऊपर नीचे हो जाती है तो बॉडी में प्रॉब्लम आती हैं, तो उनको भी किडनी ही बैलेंस रखती है। ये तो है इनका बैलेंसिंग एक्शन, जहाँ तक बॉडी के पानी की मात्रा और जो कुछ सॉल्ट है उनकी मात्रा को एक मात्रा में बनाए रखने की। दूसरा इम्पोर्टेंट काम है कि जैसे हम खाना खाते हैं तो स्पेशली जो प्रोटीन फूड होते हैं उनसे यूरिया और कई और सब्सटेंसेस बनती हैं, जो बेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं। तो प्रोटीन के फूड के जो बेस्ट प्रोडक्ट हैं वो सारे किडनी से एक्सक्रीट होते हैं। यदि किडनी काम नहीं करती हैं तो उनकी मात्रा पर बढ़ना शुरू हो जाती है बॉडी में, और वो नुकसान करना शुरू कर देती हैं। तो बड़ा इम्पोर्टेंट काम है। उसी तरह हमारी कोई टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, कोई दवाइयां हैं, बहुत सी दवाइयां को किडनी क्लियर करती हैं, तो ये जानना जरूरी होता है कि किडनी नॉर्मल काम कर रही है कि नहीं काम कर रही है, तो उसके मुताबिक दवाइयों की डोज चेंज की जाती है। तो ये जो है मुख्य कारण, जिसको एक्सक्रीटरी फंक्शन कहते हैं, और एक जो है वो बैलेंसिंग एक्शन है। तीसरा इम्पोर्टेंट काम जो किडनीज का है, वो एक हार्मोन, जो बहुत से लोग नहीं जानते हैं, बहुत से हार्मोन जो है वो किडनी में बनते हैं, स्पेशली ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए हार्मोन होता है, फिर जो बोन्स को हेल्दी रखने के लिए हार्मोन होता है, विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म जो होती है वो भी किडनी में बनती है, और सिमिलरली जिससे हीमोग्लोबिन कहते हैं, जो हीमोग्लोबिन बनाने के लिए एक हार्मोन चाहिए, तो जिसे एरिथ्रोपोइटिन कहते हैं, और जब किडनी, वो भी किडनी में बनती है और उसकी वजह से ही हमारी हीमोग्लोबिन नॉर्मल रहती है। हालांकि हीमोग्लोबिन बनाने के लिए और भी तत्वों की जरूरत होती है, पर एक हार्मोन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और इस तरह किडनी के और भी हार्मोनिक फंक्शन है, तो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, बड़ी इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। और जब किडनी काम नहीं करती हैं तो ये सारे इम्पेयरमेंट होना शुरू हो जाती हैं, इनकी काम करना बंद कर देते हैं। पर ऐसा है कि भगवान ने इतना रिजर्व दिया है कि ये जितनी बैलेंस है, जब वाटर का है, सॉल्ट का है या हार्मोन्स का है, इवन किडनी जब काफ़ी मतलब 70-80% भी डैमेज हो जाती हैं, तब भी किडनी, जो रिमेनिंग किडनी है, उसको कंपनसेट करती रहती हैं, तो उसकी चेंजेस ज़्यादा बॉडी में नहीं आ पाती हैं। पर अल्टीमेटली जब किडनी बिल्कुल फेल हो जाती हैं तो उसके इफेक्ट आना शुरू हो जाते हैं। तो यह किडनी के मुख्य कारण, जो मुख्य फंक्शन, जो मुख्य काम है, जो लोगों को पता होना चाहिए, आम लोगों को।
आपने बताया किडनी के क्या क्या फंक्शन है, क्या कारण है। डॉक्टर साहब, हर कोई चाहता है कि हम स्वस्थ रहे, सानंद है, बीमार ना हो, लेकिन कई कारण हैं, जैसे हमारे दैनिक दिनचर्या हो, चाहे ऐसे कारण से हम शरीर बीमार होता है, उसमें किडनी भी कई प्रभावित होते हैं। तो किडनी में कौन कौन से रोग होते हैं, इसके बारे में बताइए। किडनी की जो वैसे जो कई बीमारियां होती हैं, एक जिसको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं, वो बीमारियां एक जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है उसके डिसऑर्डर से होती हैं, वो भी एक मुख्य कारण है। पर मुख्य कारण जो आम जनता के लिए बहुत जरूरी है वो है शुगर की बीमारी, डायबिटीज मेलिटस। ये एक मुख्य कारण है सारी दुनिया में, चाहे आदमी गरीब है, अमीर है, या किसी भी जात का है, किसी भी देश में रहता है, डायबिटीज सबसे बड़ा मुख्य कारण है। और उसके बाद ब्लड प्रेशर, और वह छोटे छोटे कई लोगों को जानवर से कई बीमारियाँ होती हैं, फैमिली में चलती हैं, जैसे पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है, या कई लोग किडनी डिफेक्टिव पैदाइशी तौर पर पैदा होती हैं, वो छोटे छोटे कारण होते हैं। तो मुख्य कारण समझिए कि डायबिटीज़ है, और जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, जो एक बीमारी किडनी की होती हैं, उसमें जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हमारे हाथ में नहीं है कि ना हो, पर ये शुगर की बीमारी है। मैं कहना चाहूँगा कि शुगर को कंट्रोल रखें तो किडनी को आप बचा सकते हैं। और शुगर की बीमारी से ही एक दो ब्लड प्रेशर वैसे होता है, पर शुगर की बीमारी के पेशेंट पेशेंट मरीजों को आम तौर पर जब किडनी इन्वॉल्व होना शुरू हो जाती है तो ब्लड प्रेशर भी साथ होता है, और ब्लड प्रेशर उस तरह एक मेजर फैक्टर बन जाता है जिससे हार्ट अटैक होते हैं, ब्रेन अटैक्स होते हैं, और किडनी फर्द खराब होती हैं। तो ये मुख्य कारण है जिनका ध्यान रखना होगा। जब किडनी ऐसी बीमारी की शुरू में लोगों को पता नहीं चलता है, ये बहुत अधिक हो जाने के बाद हाँ, में इसका आप तो मैं बताऊँ हाँ जी आपसे कि जैसे किडनी की बीमारी का पता कैसे लगेगा। बहुत से पेशेंट को तो किडनी की बीमारी का पता नहीं लगेगा, मतलब कई बार पता नहीं लगता है कैसे मतलब बीमारी हुई। सडनली बहुत से पेशेंट मिलते हैं किडनी हार्डली 5 या 10% काम कर रही होती हैं और उनको पता ही नहीं होता है। ऐसा जो पेशेंट कहते हैं नहीं ऐसे में कैसे हो सकता है, पेशाब भी आ रहा होता है उनको। तो मैं एक तो ये बताना चाहूँगा कि पेशाब आ रहा है तो वो जरूरी नहीं है कि किडनी काम कर रहे हैं। पेशाब नहीं आ रहा है फिर तो हर एक आदमी को पता है कि किडनी काम नहीं कर रही है। पर जो क्रॉनिक किडनी डिजीज होती है उनमें कई बहुत सी किडनी में पेशाब आता रहता है, और कई बीमारियाँ होती हैं जिसमें सोजिश आ जाती है, पैरों में सूजन आती है, मुंह में सूजन आती है, तो भी ये भी किडनी की बीमारी का लक्षण है। सब पेशेंट में ऐसा नहीं होता है। फिर किडनी की बीमारी जब होती है तो खून बनना बंद हो जाता है, तो पेशेंट मरीज जो है वो पीले रहना शुरू हो जाता है, उनका पीलेपन हो जाता है, उनका पीले जॉन्डिस में कह रहा हूँ, उनकी कमजोरी हो जाती है, तो वो दूर से लग जाता है पता कि थोड़े कमजोर टाइप हो जाते हैं, उनको खून नहीं बन पाता है। तो दूसरा किडनी की बीमारी में से ब्लड प्रेशर होना शुरू हो जाता है पेशेंट को। बहुत सी किडनी बीमारी से ब्लड प्रेशर होता है, किडनी की बीमारियों से ब्लड प्रेशर भी होता है, और ब्लड प्रेशर की वजह से किडनी भी खराब होती है, तो एक विशेष साइकिल सेट हो जाता है। तो ये मुख्य कारण है। फिर जब चाहे किडनी एडवांस फेल हो जाती है फिर तो भूखने लगना, उल्टी आना, और कई और जो एडवांस फेचर फेल रहे तो तब पता लगता है। तो इसलिए जरूरी है कि जिन लोगों को डायबिटीज हो या ब्लड प्रेशर हो उनको रेगुलर अपनी पेशाब टेस्ट करना चाहिए। रेगुलर ब्लड में एक सीरम क्रिएटिनिन एटलीस्ट वंस इन ईयर तो चेकअप करानी चाहिए, और देखना चाहिए कि कोई क्रिएटिनिन ठीक चल रही है, और ब्लड प्रेशर बिल्कुल कंट्रोल रखना चाहिए, शुगर बिल्कुल टारगेट उसका कंट्रोल रखना चाहिए। यदि आप टारगेट वैल्यू शुगर की ठीक रखेंगे तो किडनी खराब होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और सिमिलरली जो ब्लड प्रेशर है उसको भी कंट्रोल रखेंगे तो उसके बाद यदि किडनी जो खराब भी हो गई होती हैं तभी उनका स्लो डाउन हो जाती हैं, थोड़ी आस्ते आस्ते खराब होती हैं। और ब्लड प्रेशर को तो इसलिए कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है कि एक तो किडनी बचाने के लिए, और दूसरा यदि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल नहीं करेंगे तो हार्ट डैमेज हो जाएगा। तो बहुत से पेशेंट जो हैं जो किडनी के पेशेंट होते हैं जिनको किडनी की बीमारी होती है वो हार्ट अटैक से मर जाते हैं, हार्ट की बीमारी से मर जाते हैं, बिकॉज वो हालांकि लोग डायलिसिस डरते हैं कि किडनी फेल हो जाएगी तो डायलिसिस जरूरत पड़ेगी, पर अब ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं करेंगे तो इससे पहले बहुत से पेशेंट में नौत नहीं आएगी डायलिसिस करने की, उससे पहले उनको सिग्निफिकेंट एक हार्ट डिजीज हो सकती है जिसकी वजह से उनकी मौत भी हो सकती है। अपने अभी अपने बात में डायलिसिस, तो हमें पता है कि किडनी रोग अधिकतर के बाद डायलिसिस ही एकमात्र ऑप्शन होता है, तो डायलिसिस है क्या डॉक्टर साहब?
पहले तुम्हें बताना चाहूंगा कि डायलिसिस तो जब एक स्टेज फाइव पहुंच जाती है किडनी की, जब बिल्कुल किडनी उनके अपने पे, मैंने जो है पहले बताया आपको कि इवन 90% तक किडनी डैमेज हो जाती हैं तभी पेशेंट दवाइयों में जी सकते हैं, और जब 90% से भी किडनी खराब ज़्यादा हो जाती हैं तो फिर डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है। तो डायलिसिस तो एक प्रक्रिया है जिसमें खून को साफ किया जाता है मशीन के जरिए, और अब तो लगभग 60 साल हो गए जब से डायलिसिस इंसानों में यूज किया जा रहा है। हमारे देश में भी इसकी काफ़ी मतलब सेंटर खुल चुके हैं, सरकार ने भी प्रावधान किया है। तो डायलिसिस एक प्रक्रिया जिसमें खून मशीन के थ्रू पास होता है और जिसमें फिल्टर करते हैं, उसकी जो टॉक्सिक सब्सटेंस जमा हो जाती हैं उनको क्लियर करते हैं। पर डायलिसिस एक पूरी रिप्लेसमेंट नहीं है किडनी की, कि जैसे डायलिसिस करें तो मान लो जो किडनी नॉर्मल किडनी की तरह हो वैसा नहीं कर सकते हैं, नॉर्मल किडनी के लिए ट्रांसप्लांट ही करना पड़ेगा, और डायलिसिस के साथ और कई दवाइयाँ देनी पड़ती हैं, तो फिर भी जिंदा रखने का एक तरीका है इन पेशेंट को। तो क्या जो जिसको डायलिसिस हो रहा है, आपने बताया कि 90% तक अगर किडनी सुरक्षित है तो हम बिना डायलिसिस के भी दवा से भी ठीक। वो बहुत जरूरी है कि डायलिसिस के सेंटर ज़्यादा नहीं होते हैं, डायलिसिस महंगा भी है, डायलिसिस सब लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं, बहुत से थोड़े लोग अफोर्ड कर सकते हैं डायलिसिस। इवन अब जो जरूर सरकार ने बहुत अच्छी फैसिलिटी कर दी है, तो कुछ जगह मुफ्त डायलिसिस मिलता है या कुछ कम पैसों में डायलिसिस मिलता है, पहले तो सिर्फ अमीर लोग ही करा सकते थे। तो उससे पहले जब शुरू में किडनी को पता लग जाता है तो ठीक तरीके से इलाज किया जाए, कुछ प्रिकॉशन बरती जाए, तो अपनी किडनी से ही लंबे तौर पर पेशेंट जिंदा रह सकते हैं, लंबे दौर तक जिंदा रह सकते हैं। और कोशिश डॉक्टरों की यही होनी चाहिए जितना हो सके पेशेंट, यही कोशिश होती है कि जितना हो सके पेशेंट अपनी किडनी पर जिंदा रहें ताकि डायलिसिस को अवॉइड किया जाए। अगर एक जो डायलिसिस करा रहा है किडनी के मरीज, तो क्या उसे किडनी ट्रांसप्लांट संभव हो सकता है उसके लिए? हाँ, जब सब मतलब जैसे बिल्कुल बूढ़े लोग हैं तो उनमें ट्रांसप्लांट सब में संभव हो सकता है, पर जब बुजुर्ग लोग हैं हम ट्रांसप्लांट कम करते हैं, क्योंकि एक उसके अपने मुख्य एक तो उनकी लॉन्जिविटी का क्वेश्चन होता है, दूसरा उसमें कई कॉम्प्लिकेशन भी होती हैं। पर ट्रांसप्लांट यदि डोनर अवेलेबल है, किडनी अवेलेबल है, तो किया जा सकता है। और ट्रांसप्लांट के लिए किडनी चाहिए, जैसे फैमिली में किडनी चाहिए, तो परिवार जो हमारा लॉ है या दुनिया के जो भी लॉ हैं उसमें किडनी जीवित आदमी से जीवित लोगों से ली जाए तो वो रिश्तेदार ही होनी चाहिए, या फिर जो एक्सीडेंट में मर जाते हैं या कोई सेरेब्रल एक्सीडेंट हो जाते हैं, कोई ब्रेन स्ट्रोक हो गई, ब्रेन अटैक पड़ गया जिससे डेथ हो जाती है पेशेंट, उन लोगों से किडनी ले सकते हैं और वो लगा सकते हैं। पर फिर भी कुछ ये इन चीज़ों ऑर्गन किडनी की काफ़ी अभाव होता है और शॉर्टेज होती है, बहुत से रिश्तेदार देने को तैयार नहीं होते हैं, बहुत कई लोगों के रिश्तेदार होते नहीं जो ले सकते हैं, इससे बहुत लोगों को ट्रांसप्लांट कम मिल पाता है, बहुत से लोगों को डायलिसिस लेना पड़ता है। सर, 2 साल से पूरे देश विदेश गए कोरोना महामारी से प्रभावित है, तो क्या किडनी के रोगी जो है उनको कोरोना से कुछ क्या ज़्यादा कुछ हमारे अपने अनुभव के साथ जो सारे वर्ल्ड का अनुभव भी है कि जो किडनी के पेशेंट, एक तो कई लोगों को किडनी की बीमारी हो गई कोविड का कोरोना की वजह से, और बहुत से लोगों जिनको ऑलरेडी बीमारियाँ थी वो बीमारियाँ एग्रेवेट हुई, और उनमें एक जो मॉर्बिडिटी थी या मॉर्टलिटी जो डेथ के चांस भी हुए वो ज़्यादा हुए, स्पेशली जो ट्रांसप्लांट पेशेंट थे, हमारे किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट थे उनमें, जिनको जब डेल्टा वेव हुई थी, सेकंड वेव जब आई थी इस देश में भी, तो डेल्टा वेव में काफ़ी नुकसान पहुंचा, मॉर्टलिटी रेट बहुत ही हाई था, उनकी मौत के ऑलमोस्ट काफ़ी हाई रेट था, जिससे बड़े सीरियस हो जाते थे पेशेंट और जल्दी डेथ हो जाती है, बचा नहीं पाते थे उनको। तो इसलिए इन लोगों को जाना जरूरी है, क्योंकि इनका सिस्टम बहुत जो इम्यून सिस्टम होता है वह स्प्रेस होता है दवाइयों की वजह से, इस तरह कोरोना की वजह से भी ये पेशेंट बहुत सीरियस हुए। डॉक्टर साहब, जो सर गंगाराम हॉस्पिटल देश के जाने माने प्रतिष्ठित हॉस्पिटल है, तो आपके यहाँ डायलिसिस के क्या क्या सुविधाएं हैं? हमारे पास सारी टाइप के डायलिसिस, हम सबसे पहले 1981 में जब मैंने हॉस्पिटल ज्वाइन किया था तो हमने प्राइवेट सेक्टर में जो नॉन गवर्नमेंट सेक्टर में उससे पहले डायलिसिस टाइम एम्स में होता था या बड़े बड़े हॉस्पिटल सरकारी अस्पताल में थोड़ा बहुत
हॉस्पिटल जो हमने गंगाराम हॉस्पिटल में 1981 से फैसिलिटी खोली है और स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज राइट शुरू से हमने कोई कंप्रोमाइज नहीं क्वालिटी पर आज हमें वन ऑफ द लार्जेस्ट सेंटर डायलिसिस का कंट्री में। अब तो डायलिसिस सेंटर बहुत ज़्यादा बन गए, किसी जमाने में गंगाराम दिल्ली में एक ही हॉस्पिटल होता था जिसमें सबसे ज़्यादा डायलिसिस होते थे और पहला हॉस्पिटल जिसमें डायलिसिस स्टार्ट हुआ था। डॉक्टर साहब आप ऐसे लोग बीमार ना हो किडनी सुरक्षित है इसके लिए क्या क्या हिदायतें आप देते हैं कि किडनी उनको खराब ना हो तरह से? मैं कहूँ कि अपना एक तो एक जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप होना चाहिए लोगों का, पहले तो जो जैसे बच्चे जिन 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 परिवारों में एक फैमिली किडनी डिजीज होती है उनकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए नॉर्मल, और जिनको ब्लड प्रेशर होता है डायबिटीज होता है वो रेगुलरली अपना यूरिन चेकअप कराते रहें, ब्लड टेस्ट कराते रहें, डॉक्टर को दिखाते रहें जिससे वो अपनी किडनी बचा सकें। इस तरीके से बहुत से लोग अपनी किडनी बचा सकते हैं। अच्छा सब लोगों को ये पता नहीं होता है कि हमें किडनी रोग है, तो क्या क्या शुरुआती लक्षण है जिससे पता चल पाए कि हमें किडनी रोग है तो डॉक्टर पास जाए अपने सुरक्षित रह सके? स्पेशली आपको वो एक भूख लग रही है, कमजोरी महसूस हो रही है या ब्लड प्रेशर ज़्यादा रह रहा है तो जरूरी किडनी के फंक्शन टेस्ट करने चाहिए, किडनी के सारे टेस्ट होने चाहिए। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर पाया जाता है, जिन लोगों को डायबिटीज जिनको लोगों को शुगर की बीमारी है उनको एक रेगुलर चेकअप कराना चाहिए जिससे वो रेगुलर चेकअप कराते रहें और अपना देखते रहें किडनी हेल्दी है नहीं है। जब भी कोई प्रॉब्लम जब कोई समस्या आए तो उसको जल्दी ही जल्दी उसका एक इफेक्टिव इलाज किया जाए। ये आपने बताया और कि किडनी ट्रांसप्लांट भी एक काफी मतलब अहम है लेकिन कई लोग को नहीं मिल पाता है, तो आप जैसे बताया कि किडनी ट्रांसप्लांट के लिए आपको किडनी चाहिए तो इंसान में दो किडनी होती हैं तो एक किडनी दी जा सकती है जब किसी जब उसके टेस्ट किए जाएंगे कि किडनी को नुकसान नहीं होता किसी को तो ये किडनी निकाली जा सकती है। तो ये किडनी सिर्फ रिश्तेदारों में निकाली जा सकती है कि कोई भी आदमी किडनी बेच सकता है अपनी। इस देश में किडनी बेचना बिल्कुल एक नॉन वेलेबल ऑफेंस है और इसलिए लोगों के पास बहुत से रिश्तेदार तैयार नहीं होते हैं। अब फैमिली सिस्टम भी और सा हो गया, एक यूनिटरी फैमिली हो गई है, वो जो है पुराने जमाने में इकट्ठी फैमिली होती थी, कोई ना कोई देने को तैयार भी रहता था, वो फैमिली सिस्टम ही रहा है। तो अब जरूरी है कि कैरियर ट्रांसप्लांट होना चाहिए तो कोई जो कि एक एक्सीडेंट के लोग हों या दूसरे लोग जो ब्रेन डेड पेशेंट होते हैं उनसे किडनी ले सकें। हमारे देश में कुछ सेंटर में ही कैरियर ट्रांसप्लांट अच्छा होता है। उत्तरी भारत में बहुत से सेंटर्स में एक कैरियर ट्रांसप्लांट नहीं होता है। थोड़े से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जैसे पीजे चंडीगढ़ है और इंस्टीट्यूट है इनमें थोड़ी सी अब स्पीड अप हो रहा है, पर लोगों में जागरूकता की कमी है, जानकारी नहीं है। इसलिए लोग जब भी ऐसे केस हॉस्पिटल में आते हैं तो लोग अपना एक आदमी जो दो जो है एक्सीडेंट में पेशेंट को डेथ ब्रेन डेथ हो जाती है तो दो किडनी दे सकता है, लंग्स दे सकते हैं, एक हार्ट दे सकते हैं और आँखें दे सकते हैं, पैंक्रियास, कई और लीवर, कई लोगों की जाने अच्छे 7-8 लोगों की जाने पड़ सकती हैं, पर वो लोग यहाँ देते नहीं हैं, लोग इच्छुक नहीं होते हैं या लोग समझते हैं कि नहीं ये ठीक नहीं है, कोई धार्मिक कारण है, कोई एक जानकारी नहीं है। तो ये न्यूज़ मीडिया के थ्रू प्रिंटेड मीडिया या जितना भी हमारा टीवी मीडिया है इसके थ्रू इसकी प्रचार किया जाए ताकि लोग ज़्यादा लोग इसके बारे में समझें। और जब भी डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि ऑर्गन डोनेशन दे सकता है कोई तो इसको प्रमोट करना चाहिए, तो ऑर्गन डोनेशन हमारे अभी प्रमोट नहीं हुआ है इंडिया में, स्पेशली उत्तरी भारत में, दक्षिण भारत में फिर भी इसका रेट अच्छा है। अरे आपने बताया कितने सही बात कह रहे कि बहुत लोगों को जागरूकता नहीं है, तो आप एक पद्मश्री चिकित्सा क्षेत्र में पद्मश्री मिला हुआ चिकित्सा क्षेत्र में काफी बड़े प्रतिष्ठित हॉस्पिटल, तो आप कोई ऐसा संदेश दीजिए लोगों के लिए कि जो अधिक से अधिक लोगों को जान बच सकते हैं किडनी ट्रांसप्लांट। देखो जिसका भी मेरे मन में हम सब लोगों को अपना एक डोनर कार्ड देना चाहिए कि जब यदि कोई अकस्मात मृत्यु हो जाए और यदि किसी वजह से या डॉक्टर समझते हैं कि हमारे ऑर्गन जो है वो यूज किए जा सकते हैं तो उसकी पहले कंसेंट होनी चाहिए और अपने रिलेटिव को बता देना चाहिए कि रिलेटिव को कंसेंट दे दें। जब ऐसा हो जाएगा जो डोनर कार्ड प्रमोट तो करते रहते हैं हम, प्रमोशन तो हम आज ऑलमोस्ट 25 साल से कर रहे हैं पर अभी तक सक्सेस नहीं हुआ,
लगे रहो, लगे रहेंगे तो कुछ जैसे बाकी देशों में होता है यहाँ भी होगा, एफर्ट तो कर ही रहे हैं। किडनी ट्रांसप्लांट द्वारा कई लोग व्यक्ति को जान बचाया जा सकता है कह रहे थे डॉक्टर साहब, और उन्होंने कहा कि इसके लिए जागरूकता आवश्यक है। डॉक्टर साहब हमारे कार्यक्रम में आप आए, हमारी इतनी अच्छी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।